यूनिट नंबर दो, लास्ट न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 59। तो इसमें कह रहे हैं कि विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बर्ड बी थ्रोन वर्टिकली। ये हमारे पास अर्थ है, इस पे यहाँ पे फर्स्ट ये बॉय है, इसने गेंद को ऊपर जाने को फेंक दिया। गेंद को किस तरफ भेजा, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी होगी, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, किस किस्म की वेलोसिटी है, इनिशियल। अब वो कह रहा है कि विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रो वर्टिकली, किस स्पीड से उसने गेंद को ऊपर फेंका है, ये हमें मालूम नहीं है। वीआई इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है। फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रेस्ट टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर, इसका जो हाइट है ये कितना है, 50 मीटर हाइट। कितना, कितने बुलंदी पे फेंका है गेंद को, 50 मीटर पे। तो जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अपवर्ड, अपवर्ड मोशन के लिए याद रखे, अपवर्ड मोशन के लिए यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी की वैल्यू वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये बात आपको याद रखना है कि जब आप किसी चीज़ को अपवर्ड फेंकते हो, वो चीज़ की जो मोशन होती है उसको जो हम ग्रेविटी नोट करेंगे वो हम हमेशा माइनस मिलेंगे, समझ आए। और यहाँ पे जब आपने गेंद फेंककर किस थोड़े वक्त के लिए जो है ना ये गेंद स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो वापसी टर्न करते हैं। तो यहाँ पे वी एफ है और वी एफ हमारे पास इस पर 0 मीटर पर सेकेंड, क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। जब आप कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसका जो वापसी वाला पॉइंट है ये थोड़े टाइम के लिए मोमेंटरीली रेस्ट में हो जाता है, क्या हो जाता है, कम टू रेस्ट मोमेंटरीली, मोमेंटरीली ये थोड़ा रेस्ट में हो जाता है, इसलिए इसकी वीएफ क्या है। आप कोई भी चीज ऊपर फेंके वो चीज वापस तो आती है ना, वो जो रिटर्न करती है ना वापस, उस पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 होती है। कितनी वेलोसिटी होती है इसकी, 0 फाइनल वेलोसिटी। अभी इसका हम ड्यू डेटा नोट करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे इसका है गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास देखिए फाइनल वेलोसिटी, हमारे पास आएगा फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो इसने हाइट बताया वो मैक्सिमम हाइट है 50 मीटर, हमारे पास हाइट है, हाइट एच से शो करते हैं, ये हमारे पास 50 मीटर है। उसने हमें कोई टाइम कोई किसी चीज का जिक्र नहीं किया, बस सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करना है, फाइनल 0 है और हाइट हमारे पास 50 मीटर है। और यहाँ पे आपने जो एक्सेलरेशन लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम जी से शो करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका अपवर्ड मोशन के लिए हमारे पास हमेशा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमने रिक्वायर्ड डेटा में हमने क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है रिक्वायर्ड डेटा, यहाँ पे आपने फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, वो है हमारे पास वी आई। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम का जिक्र नहीं है, किस चीज का जिक्र नहीं है सवाल में, टाइम का, किस चीज का नहीं है। मैंने आपसे कहा था जब टाइम का जिक्र ना हो तो हमेशा हमने थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल, कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल, थर्ड इक्वेशन, ये बात याद रखें। तो आप यहाँ देखेंगे बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है 2as इक्वल
v f square minus v i square. अब यहाँ पे देखिए हमने फाइंड करना है क्या चीज v i का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये वाला इस तरफ आ जाएगा इक्वल से और ये 2 a s इक्वल से उस तरफ जाएगा। तो जब इक्वल से हम इधर आते हैं या उस तरफ जाते हैं, हम साइन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, साइन को क्या करते हैं, चेंज। तो ये आपके पास ये vi माइनस vi है, yes, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस vi का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये vf स्क्वायर अपनी जगह पे है और ये 2as इस तरफ जाएगा 1v2as हो जाएगा। इसको आप देंगे इक्वेशन 1 का नाम, क्योंकि हमारे पास s और a की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, रिप्लेस, यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेस एक्सेलरेशन by g, acceleration किस चीज में convert करोगे, g में, g के साथ बदल होगा and s s by h के साथ, s की जगह क्या आ जाएगा h, yes, और g acceleration जो formula में इसकी जगह आ जाएगा ये g, तो कहाँ पे ये चेंज करूंगा, इन इक्वेशन वन में, कहाँ पे, इन इक्वेशन वन में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसी तरह आ जाएगा, ये वी एफ स्क्वायर भी इस तरह आ जाएगा माइनस टू। अभी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा जी और एस की जगह क्या लिखूंगा एच लिखूंगा। समझ आ गया यहाँ तक, यस यस सर। अब देखिए ये वाला इस समय थोड़ा रेस करता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी, ये यहाँ पे लिखूंगा पुट वैल्यूज, तो वी ये इसी तरह आ जाएगा वी आई का स्क्वायर इक्वल वी एफ, वी एफ की मैं जीरो पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जीरो है ये, उसके बाद माइनस है नाइन, फिर टू है, टू की जगह मैंने ये लिखा है माइनस नाइन पॉइंट एट, माइनस नाइन पॉइंट एट, और h की जगह हमारे पास क्या है 50, ये मैं पुट करूंगा 50, तो आपके पास आ जाएगा vi का होल स्क्वायर। अभी जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं, जीरो किसी चीज में प्लस करे या माइनस फर्क नहीं पड़ता, आप देखिए आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, जब दो सेम अलामत आ जाए उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस होती है, चाहे वो जमा जमा के हो या माइनस माइनस के हो। तो अभी आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 9.8 9.8 और फिर मल्टीप्लाई 50, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 980 980। अभी हमें देखिए हमें चाहिए vi की वैल्यू, ये हमारे पास आंसर आया है vi स्क्वायर का आंसर है, vi स्क्वायर को तो हमें नहीं चाहिए। तो अभी आप क्या करेंगे, टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपके पास आ जाएगा vi का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और ये 980 ये भी स्क्वायर, ये आपने काट लिया, ये आ जाएगा vi इक्वल, ये इसलिए काटा छोटे कि ये जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 और 2 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट किस चीज के बराबर होता है 1। अब ये है ना vi का स्क्वायर इसी तरह लिखा होता है, आपके पास आ जाएगा vi का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट की जगह क्या जाएगा 1 और 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट काट लेते हैं, सही। अब उसके बाद आपके पास ये 980 है तो इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है, आपके पास आ जाएगा 31.30 और इनिशियल वेलोसिटी या जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ये हमने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड किया कि इसने जो गेज वर्क के लिए पे किया है वो उसने 31.30 मीटर पर सेकेंड से पे किया गेंद को ऊपर, समझ आइए सबको, चलो सही।